नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा प्रकरण, पेन डाउन हड़ताल को लेकर बैठक, आरएएस एसोसिएशन की चल रही बैठक, बैठक में हड़ताल को लेकर फैसला होगा। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद अवगत करवाया गया है इस पूरे मामले में। और पेन डाउन हड़ताल जो कि 13 नवंबर को थप्पड़ कांड के बाद आरएएस एसोसिएशन में रोष व्याप्त था और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर गिरफ्तारी हो गई। मांग सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि बाकायदा एक मांग पत्र तैयार था जो कि सीएम से मुलाकात कर एसोसिएशन के पदाधिकारी देना चाह रहे थे, और आज सीएम से उनकी मुलाकात भी। कल गांव गया था, गांव में जो जी घटना हुई उसकी मैंने जानकारी ली जी। और दरअसल में वहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा था वो गांव में गया था, किस दृष्टि से गया वो तो मेरे को वो नहीं है जानकारी, लेकिन वहाँ जो मतदान हुआ था समरावता गांव में, वहाँ एसडीएम और उसके बीच में झड़प हुई, विवाद हुआ, एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आप सब जानते हो। उसके बाद रात को पुलिस ने कार्रवाई की थी उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें आगजनी की घटना भी हुई। ये जांच का विषय किसने की, क्योंकि इतनी बड़ी मोटरसाइकिल जला दी, जो मोटरसाइकिल से वह पहुँचा है वो तो क्यों अपनी मोटरसाइकिल जलाएगा, जांच का विषय है। सरकारी वाहन भी जल गए, प्राइवेट वाहन भी जल गए, लोगों के घरों के शीशे भी फोड़ दिए, आगजनी भी हुई, और लोग दहशत में थे, तो मैं उनको निश्चिंत करके आया। आप बिना बात, आपको डरने की जरूरत नहीं, जो दोषी उसको पकड़ेंगे, निर्दोष को किसी को नहीं पकड़ेंगे। एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने तो गांव के 20 निर्दोष व्यक्ति हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, तो पुलिस गहरी जांच करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ काम करेगी। एक में गाँव वालों को ये कह के आया था जिसके कारण ये विवाद बढ़ा कि आपका गांव देवली में लगा दिया, आपके उनियारा नज़दीक है, या आपकी पुरानी मांग है जिस कारण आपने बहिष्कार किया है, मैं आपको मुख्यमंत्री जी से बात करके उनियारा में आपके गांव को जुड़वा दूंगा। सबको सांत्वना दे के आया था, मिल के आया था, कुछ महिलाएं विलाप कर रही थी, छोटी उम्र के बच्चे उठा लिए, घर में घुस घुस के बर्बरता की जैसा उन्होंने कहा है, तो मैं सबको तसल्ली दिलासा दे के आया कि अपन को कानून को हाथ में नहीं लेना है, कानून का राज है, उसकी पालना करनी है, और मैं आपकी सब तरह की मदद करूंगा, और निर्दोष किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी चाहे किसी पक्ष का हो, ये मैं कह के आया हूँ।